तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मोशन इन अ प्लेन का ये आखिरी टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है उसको थोड़ा देखिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहते हैं? जब कभी भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में रहता है, जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सर्कल है और इस सर्कल में कोई एक ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ। अब ये क्या कर रहा है, किसी एक स्पीड से इधर जा रहा होगा। इसकी स्पीड मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए क्या मानते हैं, भी मानते हैं। थोड़ी देर बाद ये वापस से इस जगह पे जब पहुंचा होगा, वापस से इसका स्पीड अभी भी क्या रहा होगा, भी ही रहा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। इस टाइम भी इसका स्पीड क्या है, भी है। और थोड़ी देर के बाद ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पहुंचा है, इस टाइम पे भी इसका स्पीड क्या है, भी है। जब इस पूरे मोशन में स्पीड ऑफ द बॉडी क्या है, कांस्टेंट है। स्पीड क्या है, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है। बट क्या चेंज कर रहा है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। ऐसे किसी मोशन में जहां पर किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रहता है, उसके वजह से ये शब्द क्या आया, यूनिफॉर्म आया। क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट स्पीड वाले मोशन को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं ना, इसी को आप क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म वर्ड कहां से आया, बिकॉज द स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन क्यों, क्योंकि ये बॉडी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से एक पर्टिकुलर दूरी आर पर इसके चारों तरफ क्या कर रही है, नाच रही है। इसलिए इस मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिखिए, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, एक सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से जब कोई बॉडी चल रहा होता है, दैट इज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कांस्टेंट स्पीड का तो मतलब ही होता है ना, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पर कवर्स इक्वल डिस्टेंस अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेट टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जहां पर ये जो आर है, That is R vector, और ये क्या है, ये सारे velocity vector हैं जिसका direction तो change हो रहा है पर magnitude नहीं change हो रहा है। तो ये diagram आप उसके नीचे बनाइए और जो जो मैंने board पर लिखा है उसको लिख लीजिए। Direction is changing, but magnitude is constant। तो direction बदल रहा है लेकिन उसका magnitude क्या है, same है, throughout same है। 5 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है तो थ्रू आउट वो 5 मीटर पर सेकंड से ही ट्रैवल कर रहा है। अच्छा, एक और खास बात और आपको क्या दिखाई देगी, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर कहीं सेंटर मानता हूं, ये अगर मेरा रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है, इस पॉइंट पे ये रेडियस है, रेडियस दिखाई दिया। अगर ये मेरा रेडियस है तो आप देखिए,
रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में ऑलवेज एंगल कितने का है? 90 डिग्री का, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि रेडियस वेक्टर या रेडियस वेक्टर ना लिख के आप लिखिए वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ रेडियस वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है। किसके साथ? रेडियस के साथ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हेडिंग डालिए बड़े आगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए जो भी बोर्ड पर लिखा है। देन राइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बड़े बढ़ा जाए, देख लीजिए सब लिख लिए ना। चलिए देन इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे वहां पर नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, यहां पर क्या होता है? यहां पर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वापस से समझते हैं, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका वापस से वही सर्कल है। अब इस सर्कल में ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ये आपका एक रेडियस है। ऑब्जेक्ट आपका कहां पर रखा हुआ है? सपोज करिए ऑब्जेक्ट आपका यहां पर है। कब? टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स पर आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। कुछ क्षण के बाद क्या होगा? ये बॉडी चलकर यहां पहुंच गई होगी। ये बॉडी चलकर यहां पहुंच गई होगी सपोज करिए एट टाइम टी इज इक्वल टू सम टी सेकेंड्स पर। तो ये जो जा रहा होगा इसने कुछ रास्ता ट्रेवल किया होगा। तो सीधा लाइन में जब कोई रास्ता ट्रेवल करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। पर जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में चलता है तो जो वो दूरी ट्रेवल करता है उसको रेडियन के टर्म्स में दिखाते हैं। किसके टर्म्स में? रेडियन के टर्म्स में। और उस दैट इज एक्चुअली थीटा एंगल, कितना एंगल इसने ट्रेवल किया है। वो जो एंगल वो ट्रेवल करता है उसी को क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सीधा लाइन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर पाथ में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डेफिनेशन लिखिए, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ is defined as the angle described by the particle is defined as the angle described by the particle the angle described by the particles in a given interval of time. kitna angle travel kiya in given time period. aur maan lijiye is point ko main thode der ke liye a point bol raha hu. तो ये पॉइंट क्या होगा? बी पॉइंट होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है आर्क ए बी डिवाइड बाय रेडियस, वेयर दिस इज व्हाट? रेडियस। थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क ए बी डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। आर्क क्या है? जो यहां से यहां का दूरी है, और रेडियस तो आप जान ही रहे हैं क्या है। तो थीटा इज इक्वल टू दिस, और यूनिट क्या होता है? यूनिट इज रेडियन। तो लिख दीजिए थीटा का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये रेडियन के बारे में पढ़े हुए हैं। कब पढ़े थे? जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू रेडियन, इज रेडियन। और इसको आर ए डी से डिनोट करते हैं,
denoted by RAD, denoted by radian, RAD. Done. कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पे एक ओमेगा नया चीज आप देख रहे हैं भाई, जब कभी भी कोई बॉडी यहां से आ गई होगी तो कुछ तो उसका स्पीड भी रहा होगा ना, एक तो हो गया वो जो लीनियर स्पीड, प्लस एक नया स्पीड है जो कि सर्कुलर मोशन में डिफाइन होता है, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड बोलते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, ये फोटो बना लिए, सारी चीजें लिख लिए, हेडिंग डालिए एंगुलर वेलोसिटी, हेडिंग डालिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? जिस स्पीड से ये क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह घूमता है, उसको क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। वापस से ये आपका सेंटर, यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरफ से उस तरफ ट्रैवल किया है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन टाइम टी इज इक्वल टू टी सेकेंड्स पर है और इनिशियल पोजीशन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो सेकेंड पर है। तो यहाँ पर इसकी स्पीड वी थी और यहाँ पर भी इसकी स्पीड वी थी, ये तो वी है, पर जिस स्पीड से ये इसकी चक्कर काट रहा है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, और वो ओमेगा क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाता है। राइट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ओमेगा क्या हुआ, ओमेगा को उसने कैसे डिफाइन किया है, ओमेगा डिफाइन हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड मतलब ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी, और जब आप इसके यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का रेडियन और नीचे वाले का सेकेंड, तो यूनिट ऑफ ओमेगा विल बी, यूनिट ऑफ ओमेगा विल बी रेडियन पर सेकेंड, तो ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। Done. Angular velocity is a vector quantity. Angular velocity is a vector quantity. Angular velocity is a vector quantity. ये एक vector quantity है। आप कहेंगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ, एंगुलर वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो इसका डायरेक्शन दो ही होता है, या तो ये क्लॉकवाइज जाएगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज गया तो बाहर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज गया तो अंदर की ओर, तो दो ही डायरेक्शन है, लिख लीजिए, इफ इट मूव्स क्लॉकवाइज देन डायरेक्शन इज outside the plane, clockwise outside the plane, anti-clockwise inside the plane, कि उल्टा बोल दिया, if it is moving anti-clockwise outside the plane, clockwise
इनसाइड द प्लेन, ऐसे होना ना क्लॉक, घड़ी ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज हुआ तो इनसाइड द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो आउटसाइड द प्लेन। तो लिख दीजिए ना, डायरेक्शन, डायरेक्शन इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, द डायरेक्शन इज आउटसाइड द प्लेन, एंटी क्लॉक इज आउटसाइड द प्लेन। और आउटसाइड द प्लेन को कैसे डिनोट करते हैं पता है ना, कैसे डिनोट करते हैं आउटसाइड द प्लेन को, ऐसे डिनोट करते हैं। और इफ इट इज, इफ इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज द डायरेक्शन इज, द डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। और अगर इनसाइड द प्लेन है तो ये दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये डायरेक्शन है, क्लियर। और ओमेगा इज रिटन बाय डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा इज गिवन बाय डी थीटा बाय डी टी, चेंज इन एंगल बाय चेंज इन टाइम पीरियड, पर टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल है तो डेल्टा थीटा और चेंज इन एंगल। भाई आपने ना यहां में ये जो आपने केस लिया है, यहां पे आपने जीरो डिग्री से स्टार्ट किया और कुछ थीटा ट्रैवल किया, जरूरी तो नहीं कि हर बार यहीं से बॉडी स्टार्ट होगा, यहां से भी तो स्टार्ट हो सकता था बॉडी, यहां से भी तो स्टार्ट हो सकता है बॉडी, यहां भी तो जा सकता है। तो अब यहां से गया तो इसका कुछ तो एंगल पहले से ही रहा होगा, फिर एक नया एंगल ट्रैवल किया होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं चेंज इन एंगल बाई चेंज इन टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। डन, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी मतलब वी, लीनियर वेलोसिटी वी एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसके बीच में आपको क्या पता करना है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। बहुत ही सरल सा डेरिवेशन है, देखिए, राइट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय डेल्टा एस बाय आर। ये कहां से आया, तो ये आया थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस से, आर्क बाय रेडियस से। डेल्टा एस क्या था, एक जगह से दूसरे जगह का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो लिटरली वो चल के पार किया। इसके नीचे लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इंटू वन बाय आर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया, डी थीटा बाय डीटा, डी थीटा बाय डी टी किसके बराबर, ओमेगा के बराबर, और डेल्टा एस वाई चेंज इन डिस्टेंस वाई चेंज इन टाइम पीरियड किसके बराबर, वी के बराबर इंटू वन बाई आर। और यहाँ से वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ये क्या निकल के आ गया, रिलेशनशिप निकल के आ गया, वी इज इक्वल टू किसके बराबर, ओमेगा आर के बराबर। दैट इज लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, that is linear velocity, that is linear velocity
इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू रेडियस. लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस. अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो v वेक्टर जो होता है वो होता है ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस है. v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर. ठीक, देन हेडिंग डालिए एंगुलर एक्सेलरेशन. ये सब फॉर्मूला है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन. देख रहे टॉपिक कितना जल्दी जल्दी पार हो रहा है, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस सिंपल फॉर्मूला देखते चलना है, उसको रिलेशनशिप देखते चलना है, और बाद में न्यूमेरिकल आएगा तो बता देंगे कैसे बनता है. नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. अब अगर मान लीजिए कहीं पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय अल्फा. जैसे वहां पे एक्सेलरेशन होता है, यहां पे क्या होता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. अगर कोई बॉडी एंगुलर वेलोसिटी से, अगर चेंज इन वेलोसिटी हुआ, इनिशियली ओमेगा वन से बाद में ओमेगा टू हो गया, तो अगर चेंज हो गया ओमेगा तो ऑब्वियसली वहां पर एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा. तो लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन. एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए. यानी अगर मेरे को ओमेगा पता है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा. और अगर मुझे ओमेगा इज इक्वल टू क्या बताया, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. अल्फा इज इक्वल टू डी डी टी, और ओमेगा के जगह पे क्या मैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकता हूँ, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर. तो अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता है तो उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा. ये तो वहाँ पे भी करते थे ना, क्या ओमेगा इज इक्वल टू डी फाई बाई डी थीटा बाई डी टी, और ये आ गया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी. तो ये दोनों फॉर्मूला तो अभी पढ़ लिए. अगर थीटा पता है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. क्या करना पड़ेगा, उसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. किए थे ना वहां पे, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता था तो एक्सेलरेशन नहीं निकाल लेते थे, एक बार डिफरेंशिएट करते थे वेलोसिटी और फिर एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन. तो ये सेम पूरा डिट्टो वही करना है. डन. कोई दिक्कत? अब चूंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या जीरो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज इन वेलोसिटी जीरो है ना, ओमेगा क्या हो गया, चेंज इन ओमेगा क्या हो गया, अरे आपका स्पीड चेंज होगा तब ना ओमेगा भी बदलेगा, और ओमेगा तो बदल नहीं रहा क्योंकि स्पीड नहीं बदल रहा है. तो ओमेगा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ओमेगा कॉन्स्टेंट है, लेकिन आपने अभी एक्सेलरेशन क्या लिखा, चेंज इन ओमेगा बाई, तो ये भी क्या हो जाएगा. तो फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लिखिए, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
for a particle in uniform circular motion, uniform circular motion क्या होगा? For a particle in uniform circular motion क्या होगा? डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अगर चेंज इन ओमेगा जीरो है और अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी. तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? जीरो हो गई. और ये क्वांटिटी जीरो हो गई तो अल्फा भी क्या हो गया? जीरो हो गया. अल्फा जीरो हो गया यानी इस पर कोई एक्सेलरेशन, अल्फा जीरो हो गया मतलब यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी बॉडी आपकी एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं है. तो लिख दीजिए, सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज जीरो. सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज जीरो. सो एंगुलर एक्सीलरेशन इज जीरो एंगुलर एक्सीलरेशन इज जीरो व्हेन ओमेगा इज कॉन्स्टेंट. ओमेगा क्यों कॉन्स्टेंट है? बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आर के बराबर. ये कॉन्स्टेंट है और ये कॉन्स्टेंट है, बोथ आर कॉन्स्टेंट. तो ये चूंकि दोनों ही कॉन्स्टेंट है तो ओमेगा भी क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया. और ओमेगा कॉन्स्टेंट हुआ तो चेंज इन ओमेगा क्या हो गया? जीरो हो गया. चेंज इन ओमेगा क्या हो गया? जीरो हो गया. चेंज इन ओमेगा जीरो हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया. नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है. अभी आपने देखा, क्या देखा? v इज इक्वल टू किसके बराबर? ओमेगा r के बराबर. डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. डिफरेंशिएट अभी डिफरेंशिएट सही लिखे हैं. डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी टाइम. तो क्या लिखेंगे? डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा आर बाई डी टी लिखेंगे ना. डी वी बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन. आर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए. डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या हुआ? डी ओमेगा बाई डी टी. इसको क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा लिख सकते हैं. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अल्फा हो जाएगा. देखिए तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर अल्फा. सही निकाले कि नहीं? ठीक है. और वेक्टर में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर. तीनों वेक्टर हैं, इसका क्या कर दीजिए? क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए. आर क्रॉस आर अल्फा क्रॉस. डन. हेडिंग डालिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. लास्ट दो टॉपिक है इस चैप्टर का. हेडिंग डालिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अच्छा, कभी पहली बार ये सुन रहे हैं कि आपने ये शब्द सुन रखा है पहले क्लास इलेवेंथ में? सुने हैं? जब मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि भोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को कैसे गलत किया था. बताया था ना उसने कि नेट सेंट्रीपिटल फोर्स नेट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है. तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब दी फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स दी सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज दी फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम दी सेंटर. तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल की यहां बात नहीं कर रहे हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दी
फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. लिखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ, द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ इज सेम या इज कॉन्स्टेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज कॉन्स्टेंट, बट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. और अगर मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, और आप जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम पीरियड. तो जब वेलोसिटी चेंज कर रही है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा, लेकिन डायरेक्शन की वजह से भी अगर ये क्वांटिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में. बॉडी किस में है, एक्सेलरेटेड मोशन में है. और यही एक्सेलरेटेड मोशन जो है, उससे जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, उसी को क्या कहते हैं, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. तो आप कहां तक स्टेटमेंट लिख चुके हैं, बोलिए. एज द वेलोसिटी, यहां बॉडी इज चेंजिंग इट्स वेलोसिटी तक लिखे, बॉडी चेंजिंग इट्स वेलोसिटी. देयरफोर द ऑब्जेक्ट इज या द बॉडी इज इन एक्सेलरेशन, फुल स्टॉप. सच एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और ये जो एक्सेलरेशन होता है, इसका जो एक्सप्रेशन है, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है. क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर. और यही वी स्क्वायर बाई आर, याद है हम लोग जब वहां पर लिख रहे थे तो क्या लिखे थे, एम वी स्क्वायर बाई आर. तो ये एक्सेलरेशन था वी स्क्वायर बाई आर, उसको मास से मल्टीप्लाई करेगा तो फोर्स बन जाएगा, तो लिखे थे आप एम वी स्क्वायर बाई आर. तो ये एम वी स्क्वायर बाई आर यहीं से आया था, पर तब पढ़े नहीं थे, तो मैंने सीधे कह दिया था, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एमवी स्क्वायर बाई आर के बराबर. अभी हमें पता चला कि वो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है. तो दिस इज ए सेंट्रीपिटल, दिस इज वॉट ए सेंट्रीपिटल. बढ़े आगे, अब देखिए ए सेंट्रीपिटल क्या निकल के आ गया, वी स्क्वायर बाई आर. ए सेंट्रीपिटल v के जगह पे क्या मैं ओमेगा r लिख सकता हूं, देखिए तो ध्यान से, ए सेंट्रीपिटल क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, एक r से एक r कट गया. ए सेंट्रीपिटल इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या होता है, ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r के बराबर. तो ये भी एक फॉर्मूला है किसका, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का दो फॉर्मूला, एक ए सी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में और एक ए सी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में. ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए.
ये दोनों फॉर्मूला आपको क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये दो फॉर्मूला एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम में आता है। डन, कोई डाउट है तो पूछिए। डन, लास्ट कॉन्सेप्ट। अब मान लीजिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं ना कि सारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही स्पीड से नाचेगा, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मान लीजिए ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है। तो पहले तो उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होगा क्या, कॉन्सेप्ट क्या होगा। ये मान लीजिए आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसपे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड यहां पर v1 है, और किसी एक xyz पॉइंट पर जब वो पहुंचा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, v2 होगी। अर्लियर इट वॉज सेम, v1 v2 बराबर था, पर अभी अलग अलग है। तो अब यहां पर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन कम्स इनटू प्ले। कौन कौन सा बोलिए, बता सकते हैं? एक एक्सेलरेशन तो सेंट्रीपिटल रहेगा ही, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि बॉडी अगर कांस्टेंट से चले या नॉन कांस्टेंट से चले, एक फोर्स तो सेंटर की ओर लगता ही लगता है, तो ये फोर्स तो रहेगा ही। इसके अलावा एक और क्या फोर्स रहेगा, व्हाट इज दैट फोर्स? अब यहां से इसका वेलोसिटी चेंज कर गया, तो एक दूसरा एक्सीलरेशन जो कि इसके मैग्नीट्यूड के चेंज करने की वजह से आता है उसको ए टेंजेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ए टेंजेंशियल। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, ए सेंट्रीपिटल एंड ए टेंजेंशियल। टेंजेंशियल तभी एग्जिस्टेंस में आता है जब स्पीड क्या है, वेरिएबल है। वेर एज सेंट्रीपिटल तो हमेशा ही एक्ट करेगा, चाहे स्पीड कॉन्स्टेंट है कि स्पीड वेरिएबल है। यह बात समझ में आ गई? तो जब स्पीड वेरिएबल होगा तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी हुआ ना, स्पीड ही चेंज कर गया। अभी तक के केसेस में क्या लिख रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, ओनली द डायरेक्शन वॉज चेंजिंग। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो एक्सीलरेशन आया वो कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल। अब कह रहे हैं देखो मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड भी चेंज कर गया, मैग्नीट्यूड चेंज कर गया, तो दूसरा जो एक्सीलरेशन है उसका नाम क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं उसको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, एटी से डिनोट करते हैं। अब आप ए टेंजेंशियल किसी भी एक पॉइंट पर, अब मैं इस वेलोसिटी को मिटा रहा हूं और यहां पर मैं टेंजेंशियल दिखा रहा हूं, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल। एक एक्सेलरेशन अंदर एक ऐसे, तो इसका रिजल्टेंट कहां आएगा, अंदर आएगा नहीं आएगा, दो वेक्टर है ना, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो ये जो ए एक्सेलरेशन है उसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकालिएगा, एसी का होल स्क्वायर प्लस एटी का होल स्क्वायर प्लस टू एसी एटी इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहां पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। तो नेट एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया, एसी का होल स्क्वायर प्लस एटी का होल स्क्वायर। और ये फॉर्मूला याद रखना है व्हाइल सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल। अगर बाई चांस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का सवाल आया तो सिर्फ सेंट्रीपिटल निकालने से काम चलने वाला नहीं है, आपको क्या करना होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। डन। और ए टेंजेंशियल कैसे निकलेगा, डायरेक्टली डेल्टा वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम पीरियड, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो ये उससे निकल जाएगा, ये कैसे निकलेगा, v स्क्वायर बाई r से। ये कैसे निकलेगा, v स्क्वायर बाई r से। दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इस जगह पर आकर आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। एक छोटा सा सवाल करिए और फिर हम लोग इस चैप्टर को विदा कर देंगे। राइट, अ पार्टिकल गोज राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस
a particle goes round, a particle goes round a circle of radius 10 cm, radius 10 cm at 120 revolution per minute, at 120 revolution per minute calculate acceleration of the particle. आपको acceleration निकालना है. क्या क्या information दिया हुआ है आपको? आपको frequency दे दिया 120 revolution per minute, यानी frequency दे दिया mu. पर म्यू से आपका काम बनने वाला नहीं. आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए होता है ओमेगा, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन चाहिए ना. क्या होता है? अच्छा, यू भी होगा ना. हाँ ठीक है, और कर लो यार इसको कुछ भी. क्या होगा बोलो? एम आई एन आई ये मिनट. क्या होता है? छोड़ दे यार, मैं बस अभी ठीक है, खुश. चल सॉल्व करो इसको. तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए. क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए. एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर. ए इज इक्वल टू, ओमेगा के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2πμ² r. ओमेगा याद रखिएगा, ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 2πμ के बराबर. कहां से आया? ओमेगा इज इक्वल टू 2π बाई टाइम पीरियड. ओमेगा था ना टोटल एंगल बाई टाइम पीरियड. एंगल पूरा एक सर्कल में कितना होगा? 2π ही होता है ना, 360 डिग्री, और नीचे टाइम. तो और 1/time period को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ना. तो यहां से ओमेगा क्या निकल के आ गया? 2πμ. तो ये इसी को हमने यहां पे यूज किया है. और म्यू आपको कितना दिया हुआ है? आपको RPM दिया है, पर आपको म्यू हमेशा किस में निकालना होता है? सेकेंड्स में. तो ये 120 RPM है. तो इसको अगर सेकेंड में निकालेंगे तो 120 / 60, तो ये RPS निकलेगा. डिवाइड करके सॉल्व कीजिएगा, म्यू का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 2 rotation per second. तो म्यू निकल के आ गया. और आर ना आपको सवाल में दिया हुआ, देखिए ना, आर आपको दिया है रेडियस ऑफ 10 cm. बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा. ए इज इक्वल टू 2πμ का होल स्क्वायर इंटू 10 एक्सेलरेशन. अच्छा, ये 10 को भी किस में बदलना होगा? 10 को किस में बदलना होगा? सेंटीमीटर में ना, तो मीटर में बदलना होगा. तो उसको भी देखिएगा ख्याल करके, वो मीटर में भी डालना होगा. और अगर नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट 10 डाल रहे हैं, तो आंसर याद रखिएगा आपका मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा. तो 2 का स्क्वायर यानी 4 π² μ. म्यू का स्क्वायर मतलब कितना आया था? म्यू 2 का स्क्वायर 4 × 10. एसी कितना निकल के आ गया? 160 π² cm/s². एसी इज इक्वल टू 160 × π² का वैल्यू कितना होगा? 9 point something होता है. 3.14 × 3.14 कितना होगा? 9.916. देखिए तो कितना हो रहा है, 3.4 × 3.4. वैसे तो मेरे पास टूल्स है, उसमें कैलकुलेटर होगा. 3.14 × 3.14 = 9.85. AC इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, लगभग 10 के बराबर है, पर थोड़ा सा कम है. तो 5815 9.159 point something कुछ तो लिख दीजिए, 5-6 कुछ भी लिख दीजिए, 8 क्या फर्क पड़ा है.
ये आपका क्या हो गया, एसिलेशन आ गया। एग्जैक्ट देख लीजिएगा क्या है। डन। अब एक और चीज, आपने तीन फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा पढ़ा था S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा पढ़े हैं V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस, और एक और पढ़े हैं एस एन एथ इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, अरे एस एन एथ इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, यू प्लस ए बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन पढ़े थे ना। जैसे आपने इस साइड सीधा है, जैसे आपने इस साइड ये सब पढ़ रखा है, वैसे ही यहां पर देखिए क्या होता है फॉर्मूला सब, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू अल्फा थीटा, और थीटा एन इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू ब्रैकेट टू एन माइनस वन। कहीं कोई अंतर नहीं है, ये किसके लिए लिखते हैं, दिस इज फॉर लीनियर मोशन एंड दिस इज फॉर सर्कुलर मोशन। अगर कोई सवाल आ जाए तो सेम जैसे उसको सॉल्व करते थे वैसे ही आप इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ये लीनियर मोशन के लिए और ये सर्कुलर मोशन के लिए। डन हो गया, यहां पे जाके आपका ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। मोशन इन अ प्लेन का लगभग सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आपका काम है कि इस, अगर इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में मिलते हैं या जो रेफरेंस बुक आप पढ़ रहे हैं उस पर अगर मिल रहा है तो उसको आप सॉल्व कीजिए। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगला चैप्टर है दैट इज मोशन इन अ प्लेन या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम लोग अगले क्लास में चालू करेंगे। जो लोग मेरे वीडियो कंसिस्टेंटली देख रहे हैं प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला चैप्टर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसमें इससे भी ज़्यादा मजा आएगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी